ऑल राइट दोस्तों, क्या भी पॉडकास्ट सिंगिंग कंटेंट क्रिएशन के लिए एक अच्छा ऑडियो सेटअप बनाना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि कौन सा माइक लेना सही रहेगा, प्लस कैसे आप भी एक प्रोफेशनल ऑडियो अचीव कर सकते हैं अपने वीडियोस में, तो मैंने ये ऑडियो अरे के 3 प्रोडक्ट मंगा लिया है, जिसमें कि ऑडियो अरे का डायनेमिक माइक्रोफोन है जो कि EMC11 है, एंड सेकेंड है आपका ऑडियो इंटरफेस जो कि AI04 मॉडल है ऑडियो अरे का, एंड साथ में एक बहुत ही प्रोफेशनल सस्पेंशन आर्म स्टैंड है जो कि काफी अच्छे बिल्ड एंड क्वालिटी के साथ आता है, एंड इससे हम आपको बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप बना के दिखाएंगे। ज्यादा अनबॉक्सिंग और स्पेक्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टेस्टिंग करके आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इस माइक की बहुत ही क्विकली अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे आपको बता दें, इस माइक को हम लास्ट 1 मंथ से यूज कर रहे हैं एंड इसका रिजल्ट आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हो, कुछ आपको वीडियो इस माइक को यूज करते हुए मिल जाएगी, तो थोड़ा सा आपको क्वालिटी का इस पे अंदाजा आपको लग जाएगा। तो बॉक्स में आपको सिंपल सा वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाता है, अलग से OTG कनेक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको XLR कॉर्ड देखने को मिल जाता है जिसकी बिल्ड आपको काफी अच्छी मिलती है, देन हमारा माइक रखा जाता है जो कि फुल मेटल बॉडी में आता है, एंड माइक में आपको काफी रगेड कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। साथ में अगर कुछ टॉप में बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको माइक और हेडफोन के गेन आप इजिली कम ज्यादा कर सकते हो। जब आप अपने माइक को मोबाइल के थ्रू कनेक्ट किए हो टाइप सी OTG कनेक्टर के थ्रू, तो यहाँ पे म्यूट बटन को होल्ड करके आप हेडफोन एंड माइक में स्विच कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको माइक का गेन बढ़ाना है या हेडफोन का आप जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी मतलब कम ज्यादा करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। एंड बॉटम में अगर पोर्ट्स की बात करें तो वहां पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, XLR पोर्ट मिल जाता है, एंड उसके अलावा आपको हेडफोन का जैक देखने को मिल जाता है जो कि आप मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी ये आपका डायनेमिक माइक्रोफोन है एंड यूनिडायरेक्शनल पैटर्न पे ये आपका ऑडियो रिकॉर्ड करता है। एंड यहां पे कुछ लोग सोचते होंगे कि डायनेमिक माइक और कंडेंसर माइक्रोफोन में अगर डिफरेंस अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता तो वो क्या है कि मतलब आप अगर कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर रहे हो तो जिस रूम में आप कंडेंसर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करते हो तो वो थोड़ा सा एकॉस्टिक ट्रीटेड होना चाहिए रूम, आपका नॉइज वगैरह ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है। बट डायनेमिक माइक में आपको एक बेनिफिट जरूर मिलता है कि आपका कैसा भी हो आप एक अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड आपको बता दें कि अभी माइक में कोई भी कनेक्शन नहीं किया गया है, तो जो भी आप वॉइस सुन रहे हो तो ये वायरलेस माइक्रोफोन से मिल रही है, तो अभी हम लोग टेस्टिंग में इसका आपका पूरा कनेक्शन करके ऑडियो क्वालिटी आपको सुनाते हैं। एंड कुछ बात और इस माइक के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे आप अगर इसको PC या लैपटॉप में यूज करते हो तो कोई भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप प्लग एंड प्ले आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में आपको बैक में यहां पे टाइप सी एंड XLR पोर्ट एक साथ देखने को मिल जाता है जो कि मतलब इस सेगमेंट में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है, तो आपको एक ड्यूअल बेनिफिट मिल जाता है। और जो बिल्ड क्वालिटी आपको इस प्राइस सेगमेंट में इस माइक में मिल रही है ना, आप अगर इन हैंड फील करोगे ना तो आप सच में आपको मेरी बात पे यकीन होगा। और माइक के बाद अगर बात करें स्टैंड के बारे में तो ये भी आपका ऑडियो अरे का प्रोफेशनल सस्पेंशन आर्म स्टैंड है, एंड सच में आप देख सकते हो मतलब आपको फुल मेटल बिल्ड तो मिलता है, साथ में आपको ऊपर कवरिंग भी आपको क्लोथ की मिल जाती है जिससे कि मतलब आपका बीच में भी आपका स्क्रैच वगैरह से बचा रहेगा एंड काफी मतलब आपका एक सेफ और देखने में भी अच्छा लगेगा। और साथ में यहाँ पे आपको जिप भी मिल जाती है जिससे कि मतलब आपका कोई भी वायर आपका लूज नहीं रहेगा, आप इजिली टाइट कर सकते हो। और इसके वेट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा है, आप सिंगल हैंडेड तो उठा नहीं सकते हो जो कि काफी अच्छी बात है। किसी भी माइक स्टैंड में अगर जितना वेट आपका माइक स्टैंड का रहेगा तो उतने स्टेबल तरीके से आपका माइक्रोफोन भी बैलेंस रहता है। साथ में अगर इसमें आपको जब टेबल पे आप कनेक्ट करते हो तो उसके बॉटम में आपको रबर की पैडिंग देखने को मिल जाता है जिससे कि आपके टेबल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप इजिली इसको मतलब माउंट करके आप यूज कर सकते हो। सो माइक हो गया, स्टैंड हो गया है, अब बात करते हैं ये ऑडियो इंटरफेस के बारे में, जिसकी मतलब बॉक्स आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। एंड इसमें आपको डायरेक्टली इसका मॉडल अगर बात करें तो ये AI04 है। सो बात करें ऑडियो इंटरफेस के साथ बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको 2 केबल के साथ OTG अडेप्टर मिल जाता है, USB टाइप ए टू टाइप सी, साथ में यूजर मैनुअल और आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और जो लोग ऑडियो इंटरफेस को मतलब देखते ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भाई इतने ढेर सारे नॉब और पोर्ट्स वगैरह का क्या करना है, तो आपको बता दें कि जो सामने आपको 2 XLR पोर्ट देखने को मिल जाता है इसमें आप 2 माइक कनेक्ट कर सकते हो या एक माइक और एक आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हो, जिसका आपको दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड आपको नॉब भी देखने को मिलता है जिससे कि आप उसका गेन को कंट्रोल कर सकते हो। साथ में अगर आपको और देखेंगे इस साइड आपको 3 नॉब और मिल जाती है जिससे कि आप दोनों का मिक्स कंट्रोल कर सकते हो। आप जो आउटपुट में स्पीकर यूज करो बैक साइड में आपको जिसका पोर्ट दिया है उसका भी आप यहाँ पे आउटपुट कंट्रोल कर सकते हो, एंड साथ में जो हेडफोन आप मॉनिटरिंग के लिए लगाए हो आप उसका भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, आपको कितने वॉल्यूम में मॉनिटरिंग आपको सुनना है। और उसी के साथ आपको XLR पोर्ट के ऊपर LED इंडिकेटर भी मिल जाता है जिससे कि आप जब माइक कनेक्ट करोगे तो आप जब मतलब उस पर बोलोगे तो आपको ग्रीन, रेड, आपको येलो इंडिकेट करेगा जितने लेवल पे मतलब जितना लाउड आप बोलोगे, तो यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिलता रहेगा कि हाँ मतलब आपका माइक एक्टिव है। उसके अलावा फ्रंट में अगर कुछ स्विच की बात करें तो यहाँ पे आपको लो कट का स्विच मिल जाता है, मोनो
आप मोनो में स्विच करना चाहते हो तो इजिली आप इसे प्रेस करके कर सकते हैं। साथ में आपको लूप बैक का स्विच मिल जाता है एंड सबसे कॉर्नर में आपको स्टीरियो हेडफोन का जैक मिल रहा है जो कि आप मतलब यहां से कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहां पे अगर आप 3.5mm जैक बनाना चाहते हो तो आप उसका कन्वर्टर यूज करके आप अपना हेडफोन या ईयरफोन भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो बैक में भी काफी ढेर सारे पोर्ट है, वन बाय वन आपको बता दे तो यहाँ पे आपको USB 3.0 का आपको मिल जाता है पोर्ट, साथ में पावर सोर्स अगर आप इसको 5 वोल्ट का अलग से DC प्रोवाइड कर रहे हैं। मेनली जब आप अपना ऑडियो इंटरफेस मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट DC का सप्लाई देना पड़ता है क्योंकि इतना सफिशियंट पावर आपके मोबाइल से नहीं मिल पाता है, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ में आपको आउट का ऑप्शन मिल जाता है, 3.5mm जैक मिल जाता है जिससे कि आप ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको फैंटम पावर बटन मिल जाता है जिसको तब ऑन करना है जब आप इसके ऑडियो इंटरफेस में कोई कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करते हो, तो उस केस में आप इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम के लिए ऑफ रहने दीजिएगा। एंड इसके अलावा जो दो बड़े बड़े आपको पोर्ट जैक देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आप स्टूडियो में अगर आप इसको यूज करते हैं तो अपने दो स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब सारी टेक्निकल बातें हो गई है एंड अब टाइम आ गया है कि मतलब सारी चीजों को टेस्ट भी किया जाए ताकि आपको एक ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी मिलेगी वो आपको अंदाजा लग सकेगा। एंड सबसे पहले हम लोग विदाउट ऑडियो इंटरफेस एंड विदाउट XLR केबल को यूज किए आपको कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले माइक को डायरेक्टली मोबाइल में कनेक्ट करते हैं OTG अडैप्टर के थ्रू एंड देखते हैं कि बिना ऑडियो इंटरफेस के डायरेक्टली माइक में अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कैसी ऑडियो मिलेगी। तो सारा कनेक्शन एकदम परफेक्ट है, हमें हेडफोन में भी मतलब अपनी वॉइस सुनने में आ रही है। डायरेक्टली एक सैंपल रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा आपको भी अंदाजा मिलेगा। तो ये जो आप वॉइस सुन रहे हो वो डायरेक्टली मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है, मैंने माइक को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है एंड आप देख सकते हो वेव्स भी सारे इसमें दिख रहा है, मतलब सारा कुछ परफेक्ट है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। एंड आप बताइएगा कि आपको कैसी ऑडियो सुनने को मिल रहा है अगर आप इस माइक को डायरेक्टली अपने मोबाइल से यूज करते हैं। तो अभी चलते हैं ऑडियो इंटरफेस से कनेक्शन को सेटअप करते हैं एंड सबसे पहले हम XLR को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं अपने ऑडियो इंटरफेस से। एंड ऑडियो इंटरफेस को यूज करके जो पहला सैंपल आपको सुनाने वाले हैं वो अपने मोबाइल से ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट करके जो ऑडियो आप सुनेंगे वो इससे रिकॉर्ड होगी। तो आप जो अपने मोबाइल को डायरेक्टली अपने ऑडियो इंटरफेस से कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। एंड जो इस वक्त गेन की बात करें तो यहाँ पे हमने 50% गेन पे ये ऑडियो रिकॉर्ड किया है एंड आपको इजिली अंदाजा लग रहा होगा कि आपकी ऑडियो कैसी रिकॉर्ड होगी। साथ में मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ बट आपको हम बता दें कि काफी अच्छा एक बेस एंड क्रिस्प साउंड आपको डेफिनेटली सुनने को मिलता होगा। एंड ये बिल्कुल जितने भी सैंपल आप सुन रहे हो सब कुछ आपका नॉन एडिटेड है। एंड अब ये टाइप सी कनेक्टर को हटाते हैं, डायरेक्टली अब USB को अपने PC में कनेक्ट करते हैं एंड इस XLR केबल ऑडियो इंटरफेस का सारा सेटअप एकदम ओके है। एंड ये जो आप सैंपल सुनेंगे वो आपका PC में ऑडियो इंटरफेस को यूज करके रिकॉर्ड किया गया है। ऑलराइट, इस वक्त मैंने ऑडियो इंटरफेस को डायरेक्टली अपने PC में कनेक्ट कर दिया है एंड कुछ ऐसी ऑडियो आपको सुनने को मिलेगा। एंड आपको बता दें इस रूम में मतलब फैन, AC का भी नॉइज है, प्लस साथ में बाहर कुछ बच्चे खेल भी रहे तो उनका भी मतलब बहुत ही नॉइज को एकदम खत्म कर देता है। एंड जो सराउंडिंग नॉइज है वो बहुत ही कम कैप्चर कर रहा है एंड जिसको बहुत ही इजीली आप एडिटिंग में तो बहुत आराम से हटा सकते हैं। और आपको बता दें कि जब आप अपने मोबाइल को छोड़कर अपने PC पे ऑडियो इंटरफेस से रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे आप पावर जो सोर्स है उसको आप अपना USB 3.0 की तरफ कर दीजिएगा एंड तब आपका मतलब वर्क करना शुरू कर देगा एंड आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, होप सो आपने सभी एक मोड में आपने ऑडियो को चेक कर लिया, आपको ऑडियो समझ में आ गया होगा कि आपको इस माइक में कैसे मिलने वाली है। साथ में एक बात और क्लियर कर देते हैं, अगर आप पॉडकास्ट या स्टूडियो के लिए नहीं ले रहे हो तो आपको ऑडियो इंटरफेस लेना इतना भी मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ माइक और स्टैंड के साथ जा सकते हो जो कि देखने में काफी एक प्रोफेशनल लुक भी दे देगा, साथ में आपकी ऑडियो क्वालिटी को काफी लेवल अप कर देगा। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग ऐसे ही मजेदार गैजेट के वीडियोस लाते रहते हैं।